देंगे क्या क्या डिमांड है। आज आपके सामने मैंने इसका जॉब पोर्टल वगैरह ओपन किया था, इसके सामने आपके ये सैलरीज वगैरह, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए 1,25,000 सैलरी, ठीक है। इसके नीचे ये सर एक डेटाबेस क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए 20,000 सैलरी। जी जी सर, इंटरप्शन के लिए सॉरी। पहले तो सर ये जो वाउचर मिलेगा हम लोगों को, सर ये कब तक वैलिड? सर, ये 6 माह के लिए वैलिड होता है। जब आप क्वालिफाई कर जाओगे ना, तो उसके तकरीबन 4 माह के अंदर अंदर आपने वाउचर अप्लाई करना होता है, और 6 माह के लिए वैलिड होता है। ओके सर, थैंक यू। आज इंशाल्लाह आपको सेकंड की भी मेल आ जाएगी, और जिसका एक स्टेप रह गया वो आपने कंप्लीट करना, वो आपको बता दूंगा आपने कैसे करना है। तो ना स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। स्विचिंग है जी। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग लैन से वैन में जाएंगे, लैन में हमें लगेंगे 2 कुल लेक्चर, उसके बाद हमारा सारा वैन ही है। वैन में हम लोग रूटिंग और फिर वैन टेक्नोलॉजी, वैन टेक्नोलॉजी में ये DSL हमारा कैसे चल रहा है, इसके बैकएंड पे क्या कंफिगर होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है, ATM फ्रेम, ये सारा कुछ इसकी थ्योरी है। स्लाइडें वो सारी की सारी मैंने CR के साथ शेयर कर दी है, आज इसको रिसीव हो जाएंगी, वो आपके साथ भी शेयर कर देगा। थ्योरी के लिए आप वो स्लाइडें पढ़ लेना, और मैं जितना भी आपको करवाऊंगा प्रैक्टिकली करवाऊंगा। तो आपके बाद बादाम शादाम से दही शुदाई पी के ना फिर क्लास में आ करना। स्टार्ट करते हैं स्विचिंग से। स्विच स्विच लैन की डिवाइस है, ये Layer 2 पे काम करती है। Layer 2 मतलब डाटा लिंक लेयर। ये मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करती है, और इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स डाटा सेंड और रिसीव करती है। ये मार्केट 2 टाइप्स के हैं, एक हम लोग कहते हैं मैनेजेबल, दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन मैनेजेबल स्विचेस। मैनेजेबल में ये जो आप IAP में पढ़ोगे, मतलब जिसको हम लोग अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैनेजेबल स्विचेस। और नॉन मैनेजेबल स्विचेस प्लग एंड प्ले। मार्केट से जो आपको TP लिंक के मिलते हैं 1500, 700, 800 रुपए के, ये वाले जो स्विचेज हैं ये सारे के सारे नॉन मैनेजेबल स्विचेज। मैनेजेबल स्विचेज इनको हम लोग अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगर करते हैं। वैसे तो इसकी मेजर टाइप्स वो दो है, वो एक हम लोग उसको कहते हैं मैनेजेबल स्विचेज में, एक को हम लोग कहते हैं MLS। MLS स्टैंड फॉर मल्टी लेयर स्विच। और दूसरा उसको हम लोग कहते हैं Layer 2 स्विच। MLS जो होता है ये भी होता है और स्विच भी होता है, डुअल फंक्शनैलिटी होती है इसकी, राउटर भी है और स्विच भी है, लेकिन 100% राउटर नहीं होता। अगर आपको छोटा सा आपका नेटवर्क है, उसमें आपको VLANs वगैरह बना के उसकी कॉन्फ़िगरेशन करके आपको अपना नेटवर्क बिल्डअप करना है, तो राउटर वगैरह सेपरेट परचेज करने की बजाय आप एक MLS लेंगे, बाकी सारे Layer 2 लेंगे तो अपना नेटवर्क बिल्डअप कर लेंगे, तो तब आपको ये MLS सपोर्ट कर। तो ये राउटर भी होता है और स्विच भी होता है। जो जो Layer 2 स्विच है वो सिर्फ स्विच होता है, वो राउटर नहीं होता, मतलब उसमें सिर्फ स्विच की फंक्शनल। जो MLSS में हम लोग जो भी काम करेंगे वो Layer 2 वाले स्विच पे काम करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक पार्ट करेंगे, मतलब ये भी स्विचिंग पे रहेगा, लेयर टू स्विच। इसके लिए हमने पैकेट ट्रेसर जो ना उसको यूज करना है सिमुलेशन में। तो पैकेट ट्रेसर आप लोग अपने अपने नेटकैड लॉगिन पे यहाँ से उसका जो जेन्युइन वर्जन है ऑफिशियल वो आपने डाउनलोड कर लेना। अपने माइस को नेटकैड में जाना, यहाँ पे आपके लॉगिन पे अपना डाउनलोड रिसोर्सेज पैकेट ट्रेसर, यहाँ से आपने लेटेस्ट पैकेट ट्रेसर जो ना वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करने के बाद ये हमारे पास पैकेट ट्रेसर का आइकॉन इंस्टॉलेशन के बाद आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आप लॉग इन पूछेगा अगर आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, अगर नहीं सेव करनी तो एज एन गेस्ट यूजर लॉग इन करके आप यूज कर सकते हो। ये इसको हम लोग यूज करेंगे और इसमें ये ठीक है टाइटल बार वो जो है मेन्यू बार के अंदर आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस है, एंड डिवाइसेस है, कंपोनेंट्स है, आईओटी अगर किसी ने करना उसकी प्रैक्टिस, उसके बाद कनेक्शंस है केबल कनेक्शंस वगैरह, उसके बाद इसके वो मल्टी क्लस्टर्स वगैरह जो हम लोग आईएसपी जो उसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के राउटर वगैरह आईएसआर वो है, उसके बाद मल्टी क्लस्टर जिस पे हमने रहना वो है ये पहले दो टैब नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस में पहला राउटर है दूसरा स्विच। तो स्विच में हमारे पास ये स्विच है पहला 3950 ये लेयर टू स्विच है, उसके बाद ये एमएलएस है, ये एमएलएस स्विच है, ये दिखने में कुछ ऐसा है और जो आपका लेयर टू स्विच है वो उसको आप क्लिक करेंगे तो ये हम लोग कोशिश करेंगे क्लास में लेयर टू स्विच पे हम लोग काम भी करेंगे फिजिकली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये लेयर टू स्विच तो ये स्विच का जो मॉडल है ये याद रखना, क्योंकि जब आपसे इंटरव्यू होता है तो आपसे कहा जाता है कि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है या नहीं, तो आपने मॉडल वाइज नेम जब लेने हैं तो उसको पता चल जाएगा आईडिया देखने कि इसके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। और इस क्लास को मजाक नहीं समझना, ये क्लास आपको जो ना आप फ्यूचर के लिए अगर आपने अपना प्लान करना तो ये बहुत सपोर्ट करेगी। अगर खानापुरी की तो ये याद रखना आईटी दुनिया की वो डैश डैश फील्ड है, जो इसका मजाक करता है ना ये उसका वो मजाक बनाती है कि दुनिया याद रखती है। देखने और सुनने से नहीं आती, इस फील्ड का सबसे बड़ा फिनोमेना है ये करने से आती है। तो हम लोग लेयर टू स्विच जो है ये है और लेयर थ्री स्विच ये है, जो एमएलएस है राउटर और स्विच दोनों है और ये सिर्फ स्विच है। और जो आपके डीएसएल मॉडल के अंदर जो येलो पोर्ट्स होती है वो स्विच होती है और जो दूसरा ब्लू पोर्ट होती है वो राउटर होती है, जो कि अगर आपका टीपी लिंक घर में लगा उसमें भी ये चीज होती है, इसलिए उसको स्विच और मॉडम मॉडम भी स्विच भी और राउटर भी कहा जाता है। मॉडम इसमें जो येलो होती है ये आपका स्विच है लैन स्विच, और ये जो दूसरी है इसमें आपकी टेलीफोन की जो केबल लगती है इसकी वैन डिवाइस है, इसके ऊपर इसने वो कॉन्फ़िगर किया होता है लाइव आईपी, और ये यूएसबी पोर्ट ये जो हम लोग सिंगल सिंगल लेते हैं यूएसबी अगर अटैच करना हो इसके साथ, तो बाकी इसका पावर बटन वगैरह। तो जो येलो पोर्ट है ये एज एन स्विच काम करती है, और ये जो पीओई पावर और इथरनेट वाली मॉडम की जो केबल है ये आपके डीएसएल मॉडम के साथ वो जो पीटीसीएल की केबल है उसके साथ होती है, लेकिन अगर आपने टीपी लिंक वगैरह लिया हो तो यहाँ पे ब्लू कलर की केबल होती है उस पर आईपी और होता है, और येलो कलर की केबल पे आईपी और होता है पोर्ट के ऊपर आईपी और होता है। तो येलो वाली लैन का काम करती है और जो ब्लू वाली होती है वो वैन का काम करती है, इसलिए इसको राउटर भी कहा जाता है। और मॉडम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इसकी इथरनेट की केबल है पीटीसीएल की वहां पे सिग्नल कन्वर्जन होती है एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, इस वजह से इसको मॉडम भी कहते हैं। और डिफरेंट आईपी के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने की वजह से इसको राउटर भी कहते हैं।
और स्विच जो है इसका ये जो येलो पोर्ट वाला हिस्सा है, इसमें अगर आप सिर्फ केबल लगा के अपना चला लो तो ये 3-4 कंप्यूटर की लैन का काम कर देता है, मतलब स्विच बना देता है। तो लेयर टू स्विच इस पर हम लोग काम करेंगे। तो लेयर टू स्विच का पहले हार्डवेयर वो कैसा है, सेम वैसे ही है जैसे हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है वो मदरबोर्ड, मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर रैम होती है, इसमें भी रैम होती है, लेकिन इसकी जो रैम होती है वो होती है NVRAM। वो आपने वो इंट्रोडक्शन टू आईटी के अंदर वो पढ़ा होगा रैम की टाइप्स, VRAM, NVRAM, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल रैम वो जिसमें करंट हो, मतलब ये जो हमारे कंप्यूटर की है ये वोलाटाइल है, करंट है जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा रैम में है। अगर अभी मैं कुछ बंद कर दूं या लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से या वैसे बाय चांस बैटरी अगर लैपटॉप की वो वाइब्रेट कर तो आपका जो ना लैपटॉप बंद हो जाएगा, बंद होगा तो आपका जो वो जो वो कुछ भी आपका चल रहा था तो वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। जबकि स्विच और रैम है उस वोलेटाइल रैम कंप्यूटर के अंदर, स्विच के अंदर वो नॉन वोलेटाइल रैम है। ऐसे कंप्यूटर अंदर रोम है, रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर बायोस होता है, जहां से आप जाके सिलेक्शन करते हो कि मैंने सीडी रोम से चलाना है या यूएसबी से चलाना है। सेम एज इट इज इसके अंदर भी रोम है, लेकिन इसकी रोम के अंदर होता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जी हम लोग इसको ऑन करते हैं स्विच को, तो ये पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलाता है, उसके अंदर ये कुछ काम करता है जैसे हमारी बायोस ये काम करती है, ऑन होते चेक करती है मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस वगैरह, प्रोसेसर वगैरह, हीटर वगैरह उनकी। अगर प्रोसेसर हीटअप हो रहा तो बीप की आवाज देके वो उसको बंद कर देता है। अगर आपकी रैम वगैरह का कोई इशू हो तो वो एरर देके उसको बंद कर देता है। फिजिकल मेमोरी एरर वगैरह ये चीजें जो हम लोग फेस करते हैं, और रैम के अंदर जो रोम के अंदर जो बायोस होता है उसकी वजह से हमें मिलती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन। तो वही इंफॉर्मेशन जो स्विच के अंदर हमें मिलती है वो विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मिलती है। मैंने जो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किए थे स्विचेस, तो स्विच पावर ऑन हो गए थे। अब इसका अगर चेक करना हो तो ये इसकी पोस्ट, ये पहले ये पोस्ट पर जो कुछ पोस्ट ये पोस्ट ऑन किया, पहले इस तरह पोस्ट चलने के बाद ये फिर इसका लोड करती है। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव होती है, इसमें हार्ड ड्राइव नहीं होती, इसमें होती है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव हम लोग इसको अपने रैम को वो क्या नाम है यूएसबी को भी कह देते हैं। इसकी रैम की कैपेसिटी होती है 64 MB मिनिमम मिनिमम, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह का नहीं होता। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है iOS। iOS स्टैंड फॉर इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और यही iOS है जिसके ऊपर आपका एप्पल चल रहा है। तो मतलब कि आपके एप्पल और सिस्को, इसकी जो ना ये अमेरिकन कंपनी है और इसकी लड़ाई है आपकी हवावे के साथ। और इस वक्त जिस प्रॉब्लम को आप लोग फेस कर रहे हैं उसके बैकएंड पे भी लड़ाई है एप्पल और हवावे की है, मतलब हवावे और सिस्को की है। तब तो ये फिर जो एप्पल के लिए सही है, फिर जो एप्पल एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सिस्को का अगर सेम है तो फिर ये क्या दोनों एक ही कंपनी है? नहीं नहीं कंपनी एक नहीं है, लेकिन बैकएंड पे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है। बस ये ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन है, जो आप लोग यूज करते हो वो GUI है। इसका GUI भी अवेलेबल है, लेकिन इसका जो ये GUI अवेलेबल है वो वेब पोर्टल पे है। मतलब हम लोग वेब बेस्ड एक्सेस करते हैं, जैसे हम लोग TP-Link या DSL मॉडम को वेब पोर्टल पे एक्सेस करते हैं, URL बेस्ड एक्सेस उसको कहते हैं, वो है इसके GUI। लेकिन जो आपके यहाँ पे चल रहा है वो दूसरा है। इसकी जो फाइटिंग सीन है वो बैकएंड पे कुछ यूं है कि इसमें टर्मिनल बेस्ड है ये हाँ टर्मिनल बेस्ड है सारा। अच्छा ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे क्लास में ये क्या है, क्योंकि आजकल आपकी हर ट्रैफिक का पैकेट पिंडी जाता है। अच्छा जी, तो इंटरनेट का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें जो ना इसका बिल्ट इन है, और ये CLI बेस्ड है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो हम लोग इसको CLI बेस्ड कंट्रोल करते हैं। अब इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब ये चलता है, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब चलता है विंडो का, मतलब कि हम लोग अपना कह देते हैं हमारी विंडो हैक हो जाती है, क्रैश हो जाती है, क्योंकि हम लोग विंडो की मैनेजमेंट नहीं करते।
विंडोज की मैनेजमेंट में विंडो का अपना जो पावरफुल टूल है, वैसे तो हम लोग हैक बाय डिफॉल्ट है, थोड़ी सी इस पर बात हो ही जाए, देखी जाएगी जो होएगा। माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करो, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैनेज में जाओ। मैनेज में जाओगे तो आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट बॉक्स ओपन होगा, वहां पे आपने यूजर्स में जाना है, तो यूजर में आपका यूजर जो एक्चुअल यूजर होता है विंडो का, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, और 90% लोगों का एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल्ड होता है। ये मेरा अनेबल्ड है, आपका ऐसे शो होगा, डाउन एरो शो होगा। तो हम लोग ये कह रहे थे कि हमारा हैक नहीं होगा, ये होगा वो होगा फलां होगा, वी आर ऑलरेडी हैक, और ये जो आपके सिस्टम के अंदर दो यूजर हैं, डिफॉल्ट यूजर और ये WDA, ये बिल्ट इन यूजर हैं, और ये सारे के सारे सिक्योरिटी ग्रुप के मेंबर हैं। ये हो गया विंडोज डिफेंडर सिक्योरिटी ग्रुप का। तो आपका डाटा किसी किस्म का भी उनके लिए उठाने का कोई मसला नहीं है, जस्ट आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो। लेकिन आप फिर भी अपनी तरफ से अगर कोई सिक्योरिटी डिप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसको, मैंने अपना वो मैनेज किया हुआ, मैं जरा इसको फुल एक्सेस के साथ ओपन कर रहा हूँ। आपने लोकल में आना है, यूजर्स में आना है, यूजर्स में एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट आपको इस कंडीशन में मिलेगा, आपका अकाउंट डिसेबल्ड होगा इस कंडीशन में। आपने अपने माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, इसको करना है आपने अनेबल्ड, अकाउंट डिसेबल को अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद मेंबर ऑफ में आपने चेक करना है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, और रिमोट एक्सेस की एक्सेस सिर्फ आपके पास है, मतलब आपके कंप्यूटर को आपके अलावा कोई और रिमोट एक्सेस नहीं कर सकता। इसको क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद ओके करना था यार, ओके करना। ओके करने के बाद आपने इसको पासवर्ड लगाना, और वो पासवर्ड आपने जिंदगी भर कभी किसी के साथ शेयर कर नहीं करना, और ये सिर्फ आपको पता हो कि आपने इसका क्या पासवर्ड रखा हुआ है। ये पासवर्ड रखने के बाद आपने अपना जो सिंपल यूजर है इस पे आना है, इस पे आपने अपने सिंपल यूजर को, आपको एडमिन राइट दिए होते हैं। जब भी हैकर आपको हैक करता है तो आपको एक फाइल सेंड करता है फिशिंग अटैक की, आप उस पर क्लिक करते हो, विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स रन होती है, और वो कैसे रन होती है, आपको मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया होता है, तो आप इस पे कर देते हो एक्सेस। आपने इसको अपना रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद अपने आपको सिंपल यूजर रखना, यूजर रखने के बाद अब आप इसका पासवर्ड अपने किसी के साथ शेयर भी कर देना, तो वो आपके सिस्टम से डाटा नहीं उठा सकता। दूसरा जो आपका ये गेस्ट यूजर, ये गेस्ट यूजर बहुत ही डैश डैश बंदा है, ये वही काम करता है जैसे घर में गेस्ट काम करने वाली माई करती है, मतलब आपके घर की पूरी इंफॉर्मेशन जो लीक आउट करती है ये करता है। तो इसको आपने मेंबर जो होते हैं बने हुए, वो सारे के सारे रिमूव करने हैं। इसको किसी किस्म का मेंबर ऑफ नहीं रखना, मतलब यहाँ पे अगर मेंबर ऑफ बना हुआ ना यूजर्स, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो जो कुछ होगा उसको कर देना। रखने के बाद इसके ऊपर आपने वो पासवर्ड लगाना जो आप खुद भी भूल जाओगे मैंने पासवर्ड क्या लगाया था। उसके बाद जो विंडो के अपने जो आपका डाटा उठाया आपने, उस पर राइट क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रॉपर्टीज में जाना है, मेंबर ऑफ में इसके सारे मेंबर ऑफ खत्म कर देना है। ये मेंबर ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह के होंगे आपका सिस्टम का डाटा उठाने के लिए, और इसको डिसेबल रखना है। और इसके बाद इसको भी आपने वो पासवर्ड बोल जाना जो आपने इनको वहाँ भूलो ना, उसने कहा कि यूजर ये अकाउंट डिसेबल रखो, पासवर्ड शासवर्ड तो पूछ ही ना, तो मेंबर ऑफ आपने इसको कर देना है। ओके, सेम चीज इसका जो मैंने उसका किया वही इसका करना है। आपके कंप्यूटर को फिर दोबारा कोई इतनी जल्दी एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेगा, अकाउंट आपका डिसेबल आपने रखना है। तो ये आपने यूजर मैनेजमेंट अपनी रखनी है। कल को अगर आपका कोई टाइम और डेट भी चेंज करने की कोशिश करे, या कोई आपको UNC पाथ के तहत, ये विंडोज प्लस इसको UNC पाथ कहते हैं, आपके अंदर वो एंटर हो जाता है लेकिन आपको फील नहीं होता वो कहाँ पे है क्या कर रहा है, मतलब कि मैंने अगर अपने सिस्टम में आपको इसका करके कहते हैं, हम लोग आपका IP फाइंड आउट करते हैं 192.168.10.12, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं, और इस सिस्टम के अंदर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने शेयर किया होता है बाय डिफॉल्ट अपना यूजर डाटा, वो यूजर डाटा ये जो शेयर है इसमें आपका सारे का सारा यूजर डाटा पड़ा होता है, वो आपने कहाँ से शेयर किया होता है, वो आपका ये जो शेयर फोल्डर है इसमें शेयर, और शेयर में ये आपका जो कुछ शेयर्ड है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर किसी ने आपके सिस्टम को एक्सेस किया हो तो वो आपको यहाँ पे बता देगा IP बेस्ड आपके सिस्टम को किसने एक्सेस किया हुआ, विंडोज क्लाइंट कनेक्शन 1 है, और शेयर फोल्डर को एक्सेस किया हुआ किसी 1 पर्सन ने, ये आपको शो ऑफ कर रहा है, ठीक है। फर्दर अगर आपने पकड़ना हो कि आपके सिस्टम को जिसने एक्सेस किया वो कहाँ पे है, उसका IP क्या है, तो आपने अपना इसमें आना टास्क बार में, टास्क बार में आपने परफॉर्मेंस में आना है, यहाँ पे आपने ओपन रिसोर्स मॉनिटर में आना है। ओपन रिसोर्स मॉनिटर के अंदर आपके पास नेटवर्क ऑप्शन होता है, तो नेटवर्क के ऑप्शन में आपको बता देगा कि आपका सिस्टम किस किस को आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है।
इस वक्त आपके इसका जो है सीपीयू की यूसेज कितनी हो रही है, आपकी हार्ड ड्राइव कितनी हो रही है, कौन सा एक्सेस कर रहा है, जैसे ये जूम और ये आईपी, ये इस वक्त हमारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। सबसे ज्यादा डाटा सेंटर सी भी इसको हो रहा है, फोन पे चल रहा है, और क्रोम की एग्जी फाइल चल रही है, ये सारा कर रहा है। क्रोम जो ना ये अच्छी खासी फटीक लगाता है बंदा, ये आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो, मतलब के प्रोसेस में जाओ तो आपको ये क्रोम 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 इसको आप ओपन करोगे तो आपको मल्टीपल टैब मिल रहे हैं, ठीक है। इस वजह से अब क्रोम की मार्केट कम और ये एप जो ना इसकी मार्केट बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये आपका मल्टी प्रोसेसिंग में आपका मल्टीपल टास्क यूज कर रहा है। आप जब के एक दो टैब यूज करो, बाकी टैब किसकी है आपको नहीं पता। तो ये सारी की सारी बैकग्राउंड में छोटी मोटी स्टोरी होती है, लेकिन इन सारी गेम से अगर आपने बचना कि आपका सिस्टम हैक ना हो, क्रैश ना हो, वायरस अटैक ना करे, तो तब आपने ये जो आपको यूजर मैनेजमेंट बताई है वो आपने करना। ओके, तब फिर दोबारा अपने लेक्चर में, तो अपने लेक्चर में हम लोग इस पे ये हम लोग सीएलआई बेस्ड है इसका, कमांड लाइन इंटरफेस है। सर एक कमांड क्वेश्चन लाइन पूछूं इंटरफेस सर, में आपने जी, ये जो भी आपने रिमोट एक्सेस को डिसेबल करवाया सर, तो सर इस तरह से जो टीम वेवर का जो सॉफ्टवेयर है वो हम यूज तो नहीं कर पाएंगे सर? नहीं, आप जो रिमोट एक्सेस का सॉफ्टवेयर डिसेबल कर रहे हो वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आप एनी डेस्क कुछ भी यूज करते हो, रिमोट डेस्क का कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप जब भी यूज करोगे वो आपसे आपका एडमिन का पासवर्ड पूछेगा जो सिर्फ आपके पास है, मतलब आपके सिस्टम के साथ कोई पंगा नहीं ले सकता जब तक वो एडमिन का पासवर्ड ना दे। इवन कि आपने टाइम और डेट भी चेंज करना है ना, तो आपसे एडमिन का पासवर्ड पूछेगा, ओके सर, तो आप थैंक यू। अपने एडमिन का पासवर्ड बताओगे तब चलेगा। सीएलआई जब हम अपना स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करते ही इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड है, तीन मोड है। पहले मोड को हम लोग कहते हैं यूजर मोड, जो ये ऑन होता है तो ये इस सिंबल के साथ शो होता है, मतलब ये बना होता है ये ग्रेटर देन का साइन, तो ये इस साइन के साथ होता है, यहाँ पे लिखा होता है इसके स्टार्ट पे स्विच, तो स्विच और ये साइन बना होता है, इसको हम लोग कहते हैं यूजर मोड। दूसरा मोड होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिविलेजेस मोड, इसको अनेबल मोड भी कहते हैं। क्योंकि इस मोड में एंटर होने के लिए इसने जो कमांड रखी है वो अनेबल की, तो इस वजह से इसको अनेबल मोड भी कहते हैं, प्रिविलेजेस मोड भी कहते हैं। और ये जब ऑन होता है तो आपके स्विच लिखा होता है और ये साइन इसके साथ जो शो होता है वो होता है हैश का, तो ये बना होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिविलेजेस मोड। और जो तीसरा मोड है उसको कहते हैं इसको ग्लोबल, इस मोड में जब हम लोग एंटर होते हैं तो उसका साइन जो ना वो ये कुछ ऐसा बना होता है, आपके लिखा होता है वही स्विच और ब्रेसेस बनी होती है, उसमें लिखा होता है कॉन्फ़िग और एंड पे वही हैश। ये तीन मोड है, ठीक हो गया। पहला मोड यूजर मोड, दूसरा मोड प्रिविलेजेस मोड, और तीसरा मोड है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब तक के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, 1 मिनट के बाद क्लास बंद होगी तो दोबारा ज्वाइन करेंगे। सर ये वही मोड है जो हम पैकेट ट्रेसर में यूज करते हैं, नेबर कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर आरआईपी, इस तरीके से ये वो तो जो आपने वही तीन है, मोड। सारे के सारे वही मोड हैं, ये स्विच में है। तो ये पहला यूजर मोड, दूसरा अनेबल इसको हम लोग प्रिविलेजेस मोड कहते हैं, तीसरा कॉन्फ़िगर टर्मिनल इसको हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये पहला यूजर मोड में था, अब ये प्रिविलेजेस मोड में, अब ये आ गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ये तीन ठीक हो मोड, गया जी, इसके ठीक ऑपरेटिंग सर, सिस्टम के तीन मोड हैं, ठीक है। सर ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन? अगर ऐसा क्लास एंड कर रहा हूँ, दोबारा आपने इसी लिंक पे ज्वाइन करना।